स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में भारतीय नेता नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं। नितिन गडकरी पहुंचे थे भारत के एक खास दोस्त के पास, लेकिन अब यहां पर क्या भारत के लिए बड़ी चीजें निकल कर आने वाली है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या यहाँ पर कई सारी चीजें होने वाली है? जानेंगे क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, यूके अमेरिका का क्या कहना है, और वहीं इजराइल इस मामले में क्या कह रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरान में नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से नितिन गडकरी जी को भेजा गया था। भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट और चाबहार का जो मार्ग है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ईरान पर चाहे अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते कैसे भी हों, पर भारत के लिए ईरान इन चीजों की वजह से महत्वपूर्ण है। हालांकि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक्शन लिया तो ईरान से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। ग्वादर के काट के रूप में ये भारत के लिए एक अहम पोर्ट है, इसलिए इस पोर्ट की वजह से भारत और ईरान के रिश्ते काफी हद तक बंधे हुए रहे हैं और बनकर रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या आती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर एक मस्जिद देख रहे हैं और इस मस्जिद पर देख रहे हैं ये जो झंडा देख रहे हैं ना, ये इस रंग का झंडा बेहद खास खास मौकों पर ईरान फहराता है, और इस झंडे का एक बड़ा मतलब है, जिस मतलब को लेकर अब एक शंका पैदा हो रही है कि क्या यहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक पूरा का पूरा नया खेल शुरू हो चुका है। आपको बता दूं, क्या ईरान यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दरअसल हमास का जो टॉप का कमांडर था हनिये, उसके ऊपर भेजे जाने को लेकर दो थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि उसे उसके ही अंगरक्षकों के द्वारा ऊपर पहुंचाया गया, और ये सब कुछ हुआ है ईरान के राष्ट्रपति भवन में ही ठहराया गया था। अब जहां एक तरफ ये थ्योरी निकल कर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर एक घर देख रहे हैं, इस घर में इस वक्त देख रहे हैं आप ग्रीन ग्रीन पर्दे एक खास जगह पे लगाए गए हैं, पर कहा जा रहा है कि शायद ये वो अपार्टमेंट है जो ईरान का सबसे सुरक्षित अपार्टमेंट माना जाता है, जहां पर वो शख्स यहां ठहरा हुआ था, अपने अंगरक्षक के साथ ठहरा हुआ था कि तभी एक मिसाइल आती है और फिर यहां पर सारी कहानी करके चली जाती है, कमरे के अंदर घुसती है और फिर यहां पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस चीज को छिपाने के लिए यहाँ ग्रीन ग्रीन पर्दे लगा दिए गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब दोनों में से कोई भी थ्योरी हो, सही या फिर गलत, पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि काम यहाँ पर हो चुका है इजराइल की तरफ से, ऐसा माना जा रहा है, और इसके बाद ईरान सीधे सीधे अमेरिका पर भड़का है। ईरान ने अमेरिका को कहा है कि आपने परिस्थितियों को नहीं संभाला, आप अपने सहयोगियों को नहीं संभाल रहे हो, आप अपने सहयोग को उकसा रहे हो या उसके जरिए ये सब कुछ करवा रहे हो, जिस पर स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। जो ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसमें हमारा किसी तरह का कोई हाथ पैर शामिल नहीं है, हम इस मामले में दूर दूर तक नहीं हैं, इसलिए हमारा नाम लेना बंद कर दो आप। पर अब ईरान के लिए ना बड़ी मुश्किल हो गई है। मुश्किल ये हो गई है कि आप जरा सोचिए, ईरान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, अमेरिका और यूके दोनों ही कह रहे हैं कि देखो इस मामले को और ज्यादा मत बढ़ाओ, इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ईरान के जो सर्वोच्च गुरु हैं, धर्म गुरु आयतुल्लाह खामनई, इन्होंने आदेश दे दिया है, और इन्होंने आदेश देकर ये कह दिया है कि नहीं जी भैया, हम तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। अब अगर ईरान ये चीज कह रहा है तो समझ लीजिए कि इस बार सब साथ आ जाएंगे, हिजबुल्ला जो पिछली बार दूर दूर था वो भी साथ आ जाएगा, इसके अलावे और भी ग्रुप साथ साथ आ जाएंगे। पर यहाँ पर बात इजराइल की करें तो इजराइल ये कह रहा है कि हम रेडी है, जिसको जो करना है जाकर कर लो,
हम यहाँ पर तैयार हैं, जो भी होगा उसका हम जवाब देंगे। हमने पहले भी कहा था, मेरे ऊपर घरेलू और विदेशी दोनों तरह के दबाव बनते हैं, लेकिन मैंने उन दबावों को नहीं माना है और मैंने अपना काम किया है। ये चीज इनका कहना है, स्क्रीन पर आप इनके ट्वीट को देख सकते हैं। वैसे अगर ईरान पिछली बार की तरह कुछ ऐसा करता है तो उसका परिणाम ईरान को भुगतना पड़ जाएगा। क्यों? कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल ने फलस्तीन में किया, उसके बाद जिस तरीके से आगे बढ़कर लेबनान में कर रहा है, अब अगर ईरान करता है तो ईरान को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप एक मैप देखिए। 2200 किलोमीटर दूर यमन है, और जब यमन के द्वारा एक हमला किया गया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने क्या किया, यहाँ 2200 किलोमीटर दूर जाकर हमला किया यमन के अंदर। अब इजराइल से ईरान की दूरी है 1600 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि इजराइल के निशाने पे पहले से ही जो खास तौर पर न्यूक्लियर सेंटर हैं ईरान के, वो होंगे। अगर ईरान इस बार ऐसी कोई गलती करता है तो हो सकता है कि इस बार निशाने पर ईरान के वो सारे संयंत्र आ जाएं। ये जो लाल झंडा फहराया गया है मस्जिद में, ये तब तब फहराया जाता है जब जब किसी चीज का ऐलान करना होता है कि हम जंग करने वाले हैं, या ऐलान करना होता है कि हम इसका बदला लेने वाले हैं। सुलेमानी के टाइम में भी इस झंडे को फहराया गया था। उसके बाद जब सुलेमानी की बरसी पे एक कांड हो गया था, 80 लोग ऊपर चले गए थे, तब भी इस झंडे को फहराया गया था। अब एक बार फिर से इस झंडे को फहराया गया है। ईरान के लिए समस्या क्या है, ईरान के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई है कि इतने सारे डेलीगेट्स के बीच में इस तरीके का चीज हो गया है। और शपथ ग्रहण के लिए आप तस्वीर में देख सकते हैं कितने सारे लोग आए थे, तो ईरान के लिए ये एक अजीब सी परिस्थिति भी पैदा हो गई है। वैसे इन सब में आम लोगों को भुगतने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि तेल का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर दुनिया भर में इस तरीके से मिडिल ईस्ट में अस्थिरता रहती है, तो ऐसा नहीं है कि इसका असर हम लोगों पर नहीं पड़ेगा या पूरी दुनिया पर नहीं पड़ेगा, पर ऐसा तय हो गया कि यहाँ पर अभी जल्दी में शांति वांति कुछ होने वाली नहीं है। दूसरी चीज ये हो गई कि ईरान अगर इस लपेटे में आता है तो चाबहार पोर्ट और रूस का जो कॉरिडोर बना हुआ है, जिससे रूस भारत व्यापार कर रहे हैं, वो दोनों भी भविष्य में संकट में आ सकते हैं। वैसे अब बहुत सारे घटनाक्रम बदल रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर होता क्या है और ईरान का ये फैसला कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है। पर ईरान के पास कोई चारा नहीं है, उसे कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ जाएगा, क्योंकि उसे अपनी नाक बचानी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।